ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता। केट, क्या ये वाकई में हो रहा है या हमारा भ्रम है? मैंने सुना आप मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। हमने डिस्कवर किया एक बहुत बड़ा कॉमेट। ओह, होशियार हो। जो सीधे अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। इस कॉमेट को आप एक प्लैनेट किलर कह सकते हैं। फिलहाल तो मुझे लगता है हम शांति से बैठकर परिस्थिति को आंकते हैं। शांति से बैठकर परिस्थिति आंकेंगे? शांति से परिस्थिति आंकेंगे? पहले हम शांति से बैठेंगे, फिर सिचुएशन को समझेंगे, परिस्थिति को ऐसे ही आंकते हैं। इंसानियत के नाम पर ये बहुत बड़ा मजाक है। उसने हमारी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। अब हम क्या करें? हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी। तो प्रेस में लीक कर देते। आज के हमारे आखिरी गेस्ट ने स्पेस में बहुत बड़ी खोज की है। कितना बड़ा कॉमेट है कि घर टूट सकता है? मेरी एक्स वाइफ का घर है, वहाँ गिरा सकते हो। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। तो हैंडसम एस्ट्रोनॉमर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन चिल्लाने वाली PhD कभी नहीं। बहुत मुश्किल। हमें किसी ना किसी तरह सबको ये बात बतानी होगी। ये सच है, वो आ रहा है। FBI! अरे हद करते हो यार, मुझे ही बुला लिया होता। इस कॉमेट में छुपे हैं $32 trillion के मटेरियल। ट्रिलियन डॉलर्स का हम करेंगे क्या? हम सब मरने वाले हैं। सोचो अगर हम बच गए और मालामाल हो गए। God bless you all. तुम लोगों ने कॉमेट डिस्कवर किया है? मैंने भी शूटिंग स्टार का एक टैटू बनवाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो ये मिशन फेल हो जाएगा। ये पहले से ही एक फेल्ड मिशन है। तुम वही हो ना जिसने कहा था हम मर जाएंगे? नहीं। यो ब्रो। मुझे नहीं मार पाओगे। शुरुआत हो गई। एक बहुत बड़ा कॉमेट सीधा हमारी तरफ आ रहा है, पृथ्वी की तरफ। तुम देख पा रही हो? कैसे देखूं? मेरे सर पे काला कपड़ा है। FBI ने तुम्हारे मुंह पे जो काला कपड़ा बांधा था वो FBI का काम नहीं है, वो CIA का काम है, पर मैंने करवाया। मुझे पहले से ही लगा था। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा करके मुझे बहुत मजा आया।